नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2022 पेट के बारे में। आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। बहुत से भाई पूछते हैं सर पेट क्या होता है, पेट किसके लिए ज़रूरी होता है, कौन कौन सी भर्ती आती है, सिलेबस बताइए, पाठ्यक्रम बताइए, योग्यता बताइए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा चीज़ डिटेल से बताइए। उम्र सीमा से लेकर योग्यता में ए टू जेड आपको मैं बता रहा हूँ, पेट का ए टू जेड पॉइंट बताऊँगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। फीस से लेकर ज्वाइनिंग तक की सारी बात बताऊँगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसी आती है, क्योंकि पेट बहुत ज़रूरी है। 2021 में कम से कम 12 से लेकर 15 लाख बच्चे आपके इसी कन्फ्यूजन में फार्म नहीं भर पाए थे, तो सारा डाउट्स आपका मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पे यदि नया विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 2021 पेट पास हूँ तो जो बताऊँगा आपको क्लियर बताऊँगा। लेखपाल का एग्जाम हम लोग का 24 तारीख को पड़ा हुआ है, तो जो भी डिटेल आपको सब एक्सपीरियंस के साथ प्रूफ के साथ बताऊँगा, सब चीज़ ऑफिसर बताऊँगा। चलते दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम 2021 के पेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि बेस यही रहेगा, हर चीज़ यही रहेगा। वैकेंसी कौन कौन सी आएगी मैं सारा चीज़ आपको डिटेल्स बताऊंगा, सारा चीज़ ए टू जेड पॉइंट बताऊंगा। तो पेट किसके लिए ज़रूरी है, पेट कौन भर सकता है, तो देखिए यहाँ पर आपको सब डिटेल बताया गया फीस से संबंधित। फीस कोई मैटर नहीं करता है। सबसे पहले आपको आवेदन के डिटेल्स बताएंगे, कहाँ से आवेदन कोई करेगा। तो देखिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जो आप हमेशा विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले अपडेट के लिए। UP SSC.gov.in पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2021 के आवेदन के बारे में बताया गया है, तो 2022 का आवेदन आपके अगले महीने स्टार्ट होने जा रहा है, उसके बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी पेट होता क्या है। पेट आपको बताया गया है समूह ग घ की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं, समूह ग और घ की वैकेंसियाँ, मतलब समझिए समूह ग जितने क्लर्क, बाबू, स्टोनो, चपरासी, हेड कांस्टेबल, हेड जितने होते हैं, ऑफिशियल वर्क जितने होते हैं, सारे समूह ग घ में आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जितनी वर्दी की नौकरी होती है, चाहे आपकी पुलिस हो गई, चाहे दरोगा हो गई, चाहे हेड कांस्टेबल हो गई, जितनी वर्दी की नौकरी होती है उसको छोड़कर यूपी में जितनी वैकेंसियाँ होती हैं, जितनी भी वैकेंसी ऑफिशियल वैकेंसी होती है या नॉन ऑफिशियल होती है या किसी आयोग में वैकेंसी होती है, वो सब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। बस आप पुलिस की जान जाइए कि वर्दी की नौकरी छोड़कर और शिक्षा, ठीक है, पुलिस और शिक्षा विभाग की नौकरी छोड़कर जितनी वैकेंसियां होती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी वैकेंसी होती है, कम से कम वैकेंसी तो ये 25-30 कराता है, मैं आपको 10 एग्जांपल बता दे रहा हूँ जहाँ से मोटा मोटी होगा। देखिए लेखपाल कराता है, ठीक है, वीडियो कराता है, एनएम कराता है, आपका लैब टेक्नीशियन कराता है, आपका जितने भी आपके बाबू हो गए शिक्षा विभाग में उनको कराता है, चपरासियों की भी नियुक्ति अब कराने लगा है, लोअर की वैकेंसी हो गई है, स्टोनो की हो गई है, कलर की हो गई है, जूनियर असिस्टेंट की हो गई है, ये आपकी आबकारी सिपाहियों की हो गई है, और भी बहुत सी वैकेंसी है, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया है, मतलब मैं आपको लिस्ट क्या बताऊं, कम से कम 50 और किसी भी अन्य इंडस्ट्री एरिया है जहाँ पे कलर के बाबू रखे जाते हैं जो सरकार के अधीन काम करती है, उनकी भर्ती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। देखिए और बहुत से ऐसे 10-15 विभाग है, ऐसे ITI ट्रेड की जितनी वैकेंसियाँ होती है, ITI विभाग की जितनी अंतर्गत वैकेंसी होती है, वो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। अभी तत्काल में इसकी वैकेंसी निकली भी है, ठीक है, तो ये अपना कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा कि अधीनस्थ पेट कौन भर सकता है। अब आपको योग्यता के बारे में बता रहा हूँ ऑफिशियल सब चीज़। देखिए ये ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन 2021 का है, इसमें दिया, मैं इतना लंबा आपको पढ़ के बताऊँगा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे है क्या इसमें, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। दसवीं देखिए एक सेकेंड, जो भी दसवीं पास है, ठीक है, बहुत से चैनल द्वारा बताया गया कि दसवीं चाहिए, बारहवीं चाहिए, इंटर चाहिए, नहीं भाई, पेट में बैठने के लिए पेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेट आप जानते हैं समूह ग घ की भर्ती आती है, इसमें दसवीं पास की वैकेंसी भी आती है और बारहवीं पास की वैकेंसी आती है, तो कैसे BA वाले भरेंगे इंटर वाले नहीं, मैं आपको सिंपल डिटेल बता रहा हूँ समझ जाइएगा बात। दसवीं पास जो भी बच्चा है बस पास रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, पास नहीं रहेंगे तो आप आवेदन नहीं कर सकते, ये आप ध्यान दीजिएगा। पेट के लिए दोस्तों आपको दसवीं पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस चक्कर में ना रहिए कि बारहवीं पास मैंने तो मैं आवेदन नहीं कर सकता, ये अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। कुछ जगह आपको बताया गया हो कि बारहवीं पास चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, नहीं, पेट के लिए आपका दसवीं पास ही चाहिए, बस पास रहना चाहिए। मान लीजिए आपका कब तक पास होना चाहिए, मान लीजिए आपको 12 जुलाई को आपका डेट आ रहा है पेट के नोटिफिकेशन का और आवेदन लिया जा रहा है 30 जुलाई तक, तो 30 जुलाई के पहले तक आपके पास आपके हाथ में हाई स्कूल की योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वही मान्य होगा, ऑफिशियल आपने अपना रिजल्ट वेबसाइट पर देख लिया वो भी मान्य होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास हाई स्कूल पास रहना चाहिए। उम्र सीमा आपकी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल, यहाँ पे देखिए उम्र सीमा आपका दिखाया गया है 18वीं, ठीक है,
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं उम्र सीमा आपकी मिनिमम 18 साल चाहिए। आप पूछेंगे 18 साल कब तक रहना चाहिए, तो देखिए 1 जुलाई 2022 को आपकी 18वीं पूरी हो जानी चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए, चाहे एक दिन ही ज़्यादा रहे लेकिन 18 से एक दिन ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। कम रहेंगे तो आपका पैसा बर्बाद है, यूट्यूबर के चक्कर में आप आवेदन कर देंगे लेकिन बाद में आपका पैसा पूरा नष्ट हो जाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ हर चीज़ A to Z, हर एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट भी आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसीलिए उम्र सीमा मैक्सिमम कितनी चाहिए, 40 साल चाहिए जनरल वालों के लिए, OBC 3 साल, SC ST 5 साल और अदर मतलब जो एक्स्ट्रा सर्विसमैन अलग होते हैं उनको 10-10 साल का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। फीस देखिए आपका यही रहेगा, जनरल वालों के लिए 185, OBC के लिए 185, SC और ST के लिए 95-95, विकलांग के लिए भैया 25 रहेगा। और सबसे बड़ी बात है जो भी आरक्षित वर्ग से आते हैं, चाहे SC ST OBC हो गया या EWS हो गया या कई फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए या एक्स सर्विसमैन हो गए या महिलाएं हो गई, अपने इस कैटेगरी को बहुत ही सरलता से बहुत ही अच्छे से मेंशन कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होने वाली है जो मेंस में हुआ है 2021 के लेखपाल वाले में, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। EWS के बारे में 10% आरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है, कुछ देखिए इसमें विशेष सूचना जो दी गई है, कुछ आपको देखिए यहाँ पे कुछ संशोधन के बारे में दिया गया है, संशोधन आप वो गलती ना कीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप गलती ना कीजिएगा जिसको संशोधन ना किया जा सके, क्योंकि देखिए यदि आपको आवेदन की 3 दिन एक्स्ट्रा आपको समय मिलेगा संशोधन के लिए, लेकिन संशोधन वो टिपिकल होगा, वो सब चीज़ आप संशोधन नहीं कर सकते, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ ही पॉइंट को आप संशोधन कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में मैं विस्तार से भी बनाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी वीडियो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम आ गया जो डिटेल्स बताया गया, एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, जो ये पॉइंट है इससे अतिरिक्त मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं एग्जाम दिया हूँ पेट 2021 का, मुझे एकदम सटीक पता था, सेम यही चीज़ आया था भाई, एक प्रश्न बाहर नहीं आया था इससे, तो यही आपका पेट में 2022 में भी रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, जितना भी भारतीय इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है, और आधुनिक मध्यकालीन इतिहास हो गया, इसको अब अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से 5 नंबर आएगा। आप कहेंगे सर आधुनिक क्यों नहीं आएगा, तो आधुनिक देखिए यहाँ पे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप जानते हैं 1857 से लेकर 1947 के बीच का जो समय बोला जाता है वो गांधी युग बोला जाता है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, अरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में विशेष रूप ये रखता है यहाँ आपका, तो अब समझ लीजिए आप यदि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। फालतू चीज ना पढ़िएगा कि डर में कि भैया बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना, ये वैसा कुछ नहीं। भूगोल से देख सकते हैं आपका 5 नंबर का आएगा, यहाँ पे दिया है भूगोल के बारे में 5 नंबर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपका कॉमर्स के बारे में या जो भी है आपके अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में आपका 5 नंबर का आएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, ये नहीं कि एकदम हाई लेवल PCS वाला पढ़ लीजिएगा, सिंपल से हरी क्रांति के जनक कौन है, गोल क्रांति, सफ़ेद क्रांति या नीली क्रांति या पीली क्रांति किसे बोलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको, मैं 2021 का पैटर्न कराऊंगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय लोक प्रशासन, यहाँ मतलब संविधान, एक काम जरूर कीजिएगा, संविधान ज़्यादा मत पढ़िएगा, संविधान ज़्यादा डीप ना जाइएगा, एकदम ऊपरी चीज़ पढ़िएगा, बहुत सिंपल भाई संविधान पूछेगा, मैं बता रहा हूँ जो 5-10 दिन में संविधान जो पढ़ के गया होगा, जो पहले से पढ़ा होगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 100% चला आएगा। सामान्य विज्ञान आपका 200 देखिए 5 नंबर का आएगा, यहाँ पर दिया है प्रारंभिक गणित, आप कह रहे हैं सर प्रारंभिक गणित 5 नंबर का आता है, जी हाँ मैथ का एकदम प्रारंभिक गणित 5 ही नंबर का आता है, तो आप लोग कहेंगे सर 5 नंबर का मैथ आता है, जी हाँ 5 नंबर का आता है, बस यही आपको पढ़ना है मैथ, बस 5 ही बहुत मैथ एकदम ना के बराबर आता है इसमें, ये बात मानने वाली है। और जो आपका 5 आएगा इसमें इसमें 3 जाएंगे गुणा भाग आएगा, बस गुणा भाग करना पड़ेगा, कुछ नहीं क्वेश्चन आता, ठीक है, तो मैथ पर ज़्यादा फोकस करने का मैटर नहीं है सब जी। आप देखिए हिंदी सर 5 नंबर का आता है, जी हाँ हिंदी बस 5 नंबर का आएगा और बहुत ही सिंपल हिंदी आएगा, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा और क्या आएगा, ठीक है, पूरा कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अंग्रेजी 5 नंबर का आएगा जिसमें से पैसे जाएगा 2 या 3 नंबर का पैसे जाएगा, रीजनिंग 5 नंबर का आएगा, ये देख लीजिए बस ये टॉपिक पढ़िएगा, अतिरिक्त कुछ ना पढ़िएगा, मैं आपसे यही बता रहा हूँ। यहाँ पे भारतीय विश्व, यहाँ करंट है आपको, करंट आपका 10 नंबर का आएगा, करंट आप 1 साल का पढ़िएगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, करंट 1 साल का पढ़िएगा। ये सामान्य जागरूकता, ये भी आपका, ये आपका देखिए जो तो टॉपिक दिया है ना ये जरूर पूछेगा, यही देखिए 2021 में जितना टॉपिक दिया है इससे 1 नंबर बाहर नहीं दिया था भाई, सेम देखिए एक क्वेश्चन पूछा था मुझे याद है अफगानिस्तान की बांग्लादेश के संबंध में क्वेश्चन पूछा था, राजा राजधानी पूछा था एक ठो, यहाँ पे ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन है यहाँ पे, आप गद्यांश देखिए 10 नंबर का था, यहाँ से आप अच्छा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो गद्यांश हिंदी में रहेगा तो आराम से हम कर लेंगे। अब देखिए 20 नंबर ये है आपका, 20 क्या, हाँ 20 नंबर देखिए, तो यहाँ पे आपको 30 नंबर सॉलिड मिल जाएंगे पोकट का, जिसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, 10 नंबर आपका मैथ का पैराग्राफ रहेगा, एक ये डिजिट ये इस टाइप का रहेगा, ठीक है,
जिसमें गेहूँ रहेगा, चावल रहेगा, इस टाइम का 10 क्वेश्चन दे देंगे सब, पाँच पाँच मिला के 5-5 का सेट रहेगा। एक आपका ये ग्राफ वाला रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ये वाला कर लीजिएगा। इसमें एक आपका 20 नंबर, तो मैंने आपको सिलेबस सारा डिटेल्स बताया है। मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए अपना मैं पास हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो जितना डिटेल था मैंने आपको बता दिया, अब कुछ बचा होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आगामी वीडियो आपको सजेस्ट कर दूंगा, बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाया गया। इस बुक की दोस्तों खासियत यही है कि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, आपका 2021 का पेट हुआ है, उसको बेस को रख के बनाया गया है। इसमें एक्सपर्ट द्वारा ये आपका पूरा तैयार किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी जो 2021 का पेट हुआ था, इसमें 80 से लेकर 85 क्वेश्चन तक इसे फंसे हुए थे, क्योंकि इनका वही पैटर्न रहता है जो सिलेबस बेस रहता है। तो इस बुक की खासियत यही है कि ये आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। इस बुक के साथ दोस्तों आपको देखिए गाइड मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना किसी एग्जाम को निकालना, करेक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसमें दोनों चीज़ आपको मिक्स मिल जाएंगे एक ही साथ। इसमें दोस्तों आपको पूरा सिलेबस दिख रहा होगा, जिसमें से 2200 आपका क्वेश्चन हो गए, आपका 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। इसमें सिलेबस दोस्तों इसमें A to Z टाइम का आपका कवर किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पॉइंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 24 अगस्त को जो पेट 2021 को कराया गया था, वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये आपको एक्सपर्ट के निगरानी में बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें आपको एरर कम देखने को मिलेगा। और अभी तक का इतिहास है यूपी ट्रिपल एससी, यूपी सरकार की जितनी वैकेंसी हो रही है, सबसे बेस्ट बुक इस टाइम ट्रेंड कर रहा है पूरे यूपी में, तो चक्षु पब्लिकेशन का ट्रेंड कर रहा है। तो नीचे एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जाकर तुरंत ले लीजिए। धन्यवाद।